नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा जिला चांदनी चौक में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी और ओमकार गुप्ता जी हैं, जो कि मंडल के उपाध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 55A से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे सवाल करेंगे, जिला चांदनी चौक लोकसभा को लेकर प्रवीण खंडेलवाल जी जीत के आए हैं, तो सबसे पहले उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि हमने 89,000 वोटों से, उससे भी ऊपर वोटों से जीते हैं जी। और हमने पूरी हमारे इधर अंबेडकर नगर से भी बहुत अच्छी जीत हुई है। तो क्या आगे उपेक्षा लगाएं लोगों से, मतलब अब जनता में बीच में आएंगे तो क्या उम्मीद लगाते हैं कि आगे जीतेंगे, तो क्या काम होंगे आगे क्षेत्र में? बिल्कुल जीतेंगे जी, 101% जीतेंगे आगे भी। और आगे काम किस तरह होंगे सर क्षेत्र में? आगे काम तो अब वो करेंगे ना, तो जो जो वादे किए जनता के बीच में, बिल्कुल क्या लगता है? बिल्कुल पूरे करेंगे जी, पूरे किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे पूरे। आपको कहना चाहेंगे सर प्रवीण खंडेलवाल जी की जीत पे? हम भारतीय जनता पार्टी शालीमार बाग मंडल से उपाध्यक्ष ओमकार गुप्ता जी बोल रहा हूँ। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जो हमारे चांदनी चौक लोकसभा से 79 नंबर 325 वोटों से विजयी हुए हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन का टारगेट दिया है जी, हमारे पूरे इंडिया में हर सांसद के लिए, हमारे माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी जो एक जनता दरबार लगाते हैं 2 घंटे का हर मंडल में, वो हमारा 4 दिन से प्रोग्राम शुरू हो गया है, जिसपे हमारी छोटी सी छोटी समस्याओं को हमारे माननीय सांसद जी उनको ले रहे हैं, उनकी कंप्लेंट ले रहे हैं, उनका कार्य अपनी सफलतापूर्वक करवा रहे हैं जी। और आने वाले समय में 100 दिन में टारगेट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है हर सांसद के लिए जी। हम हमारे माननीय सांसद जी चांदनी चौक से अपने हर कर्तव्य में खरा उतरेंगे और हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ 24 घंटा लगे रहे हैं और लगे रहेंगे, हर काम को पूरा करेंगे। हम यही आशा करते हैं अपने सांसद जी से, जो कि अपने क्षेत्र की जो भी हमारी समस्याएं हैं हम उनके पास लेके जाएंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारा कार्यकर्ता अगर हमारा छोटा सा भी काम लेके आएगा, उसको हम 24 घंटे के अंदर उस कार्य को करवाएंगे। धन्यवाद सर। आपसे सवाल कर लेते हैं, आप जो जुड़े हैं इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में, लगभग कितना समय आपको जुड़े हैं? मेरे को लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं बस। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब इस राजनीति में? बहुत अच्छा, लोगों की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। किस किस तरह की सेवा आप, जैसे लोगों के इलाके में जैसे समस्या होती है? समस्या जैसे यही है कि जो भी समस्या होती है, नाली की है, गली की है, वही हम लेके जाएंगे प्रवीण खंडेलवाल जी के यहाँ, वो पूरी कराएंगे अपनी। इसके अलावा आप और भी संस्थाओं से जैसे आप एक्टिव जुड़े हुए हैं? मैं माहौर वैश्विक समाज से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो उसके माध्यम से क्या क्या काम कर रहे हैं सर आप इस संस्था द्वारा? अब संस्था द्वारा यही काम है, अपने सारे भाइयों को मिलजुल के लेके चलते हैं, हम सबको मिल के काम कराते हैं, जो भी समाज की जो भी जरूरत, जो भी काम होते हैं सब पूरा कराते हैं। मगर सर इस बार जैसे मोदी जी का जो नारा चढ़ रहा था 400 के पार का नारा, वो कहीं ना कहीं इस बार संभव नहीं हो पाया सर, 243 सीटों पे आप सिमट के रह गए। वो देखो जी, कुछ तो राहुल गांधी ने झूठ बोल के जो ना वोट ले लिए हैं, लेकिन ये सब सही नहीं है। अब 1 लाख रुपए साल देने का वादा जो किया है वो पूरा करेंगे नहीं जी, झूठ बोल के वोट तो ले लिए उन्होंने, बाकी अब देखो। ओमकार जी, यूपी का जो रुझान है 80 सीटों में से 37 सीटें आई हैं, और काफ़ी मतलब इस बार जो चुनाव में आपने देखा, काफ़ी इस बार मार्जिन बीजेपी का डाउन स्थिति भी दिखाई दी सर। जो 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ है हमारे यूपी में, हमें कम सीटें मिली हैं, उसमें एनडीए गठबंधन ने बहुत बड़ा एक धोखा किया है, जो पब्लिक को झूठ बोलकर 1 लाख रुपए का काट दिया कि हर महीने 8,500 रुपये तुम्हारे खाते में आएंगे। और उनसे हम सबसे पूछना चाहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रहने के लिए मकान दिया, खाने के लिए फ्री राशन दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री गैस दे रहे हैं, बीमारी का सारा इलाज फ्री मुफ्त यूपी में हो रहा है, ऐसे 50 काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
केंद्र सरकार से हमारे योगी जी ने यूपी में तन मन धन से सारा काम हिंदुओं के हित में कार्य किया और आज भी कर रहे हैं और करेंगे भी। जिन लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया है कि जो मतलब अपने पैसे के लालच में आकर चलो हमें 1,00,000 रुपये मिलेगा, 8,500 रुपये महीने हमारे खाते में आएंगे। सर मेरा सवाल है, दिल्ली में भी जल संकट को लेकर आप देख रहे हो हाहाकार हो रहा था, दिल्ली में जल की कमी होती जा रही है, इस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आप केजरीवाल जी हैं जी जिम्मेदार, उन्होंने पानी के लिए फ्री फ्री करके सारा पानी गंदा आता है यहाँ पे जी सर। पानी की सुबह शाम पहले सारे दिन आता था, अब सुबह शाम भी बड़ी मुश्किलों से आता है। अच्छा, आपके हैदरपुर अम्बेडकर नगर? हाँ जी। और क्या समस्या है इसके अलावा सर क्षेत्र की भी? नाली है देख लो, अभी भी पूरा नाला रुका हुआ है, रोज डेली यहाँ पे नाला खुला हुआ है ना, रोज गाय गिरती है, रोज। अच्छा, यहाँ पे डेली निकालते हैं हम लोग, मिलके डेली निकलवाते हैं, कई बार तो उनको फोन करते हैं जो पुलिस वाले हैं उनको फोन करके ही बुलाते हैं, तो डेली निकलवाते हैं। आए दिन घटनाएं होती हैं? होती हैं जी बिल्कुल। मौजूद है यहाँ के पार्षद, कोई काम नहीं कर रहे क्षेत्र में? काम तो दे कुछ भी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं। सर इससे क्या लगता है आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के रुझान को देखते हुए क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव में देखो जी, हम तो बीजेपी के माध्यम से ही हैं कि बीजेपी का जो ना अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल 101% आएंगे। तो कैसा लगता है इस बार मुकाबला रहेगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी से? कुछ आम आदमी पार्टी से बिल्कुल रहेगा जी। तो क्या लगता है बीजेपी इस बार मारेगी? बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। आम आदमी पार्टी तो पानी बिजली शिक्षा पे काम कर रही है, तो उस गढ़ को किस तरह तोड़ेगी भाजपा? भाजपा काम करेगी तब तोड़ेगी। क्या एजेंडे आपके पास सर, क्या विजन है, कोई दिल्ली में आपके पास विजन है कोई? नहीं हमारे पास तो नहीं है घर। हाँ बताइए सर ओमकार जी, दिल्ली में इस बार चुनाव आएंगे विधानसभा, तो कोई विजन बीजेपी के पास? हाँ जी सर, मैं हमारा दिल्ली में विधानसभा 2025 में आने वाला चुनाव है, जिसमें अब की हमारा दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, जहाँ हमारा दिल्ली में मेन मुद्दा जो 100 दिन का टारगेट दिया गया है उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं का ये कर्म है, सबकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम पूर्ण करें जी। और मेन काम जो दिल्ली का है, जो केजरीवाल जी ने हर बात को झूठ बोल बोल के पब्लिक को गुमराह किया है और अभी गुमराह कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में ये वादा किया था अगर हम जीते तो हम 1,000 रुपये हर महिला के लिए खाते में देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा पानी फ्री बिजली फ्री, मगर बिल इतने तगड़े पानी के और बिजली के बिल आ रहे हैं जो पब्लिक दिल्ली में चराई चराई हो रहा है। मतलब दिल्ली में पानी की भी संकट और पानी की समस्या तो इतनी हो रही है, जो केजरीवाल को तो सोचना चाहिए, जो 9 साल दिल्ली सरकार में बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, वो इस समय जेल के अंदर हैं और यहाँ पब्लिक पानी से चराई चराई कर रही है। पहले तो उन्हें अपनी पानी की व्यवस्था कराना चाहिए सही, और आने वाले 2025 में दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। सर कोई विजन है आपके पास, कोई मुद्दे हैं आपके पास? हाँ जी बहुत से मुद्दे हैं। केजरीवाल जी हमारा आयुष्मान भारत कार्ड लागू नहीं होने दे रहे, अब वो हमारा कार्ड जो है लागू होने जा रहा है। स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 70 साल से ऊपर वालों के लिए जो हाँ जो 5,00,000 का फ्री इलाज जो है कहीं आप मर्जी आज हॉस्पिटल में करवा सकते हो, और अब कई बहुत से मुद्दा हमारे सामने आए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उनका आज तक कोई झूठा वादा नहीं है, जो कहेंगे उसको वो डंके की चोट पे करके दिखाएंगे। और यही 2025 में होना है, जय श्री राम वंदे मातरम सनातन धर्म की, और सरकार 2025 में बीजेपी की दिल्ली में होगी।